महाराष्ट्र में दम दिखाने वाली शिवसेना ठाकरे अब हिमाचल की राजनीति में हाथ आजमाने जा रही है। शिवसेना के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने ऊना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में शिवसेना प्रदेश की चारों सीटों में चुनाव लड़ेगी। वशिष्ठ ने कहा कि अब तक हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा की राज करती आई है। वशिष्ठ ने कहा कि अब तक हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा ही राज करती आई है और दोनों ही राजनीतिक दल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वशिष्ठ ने कहा कि शिवसेना प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प उपलब्ध करवाएगी। वशिष्ठ ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी बूथ स्तर पर कमेटियां गठित कर रही है। वहीं वशिष्ठ ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का दावा किया। शिवसेना को गुंडा पार्टी कहने वालों पर निशाना साधते हुए वशिष्ठ ने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ता अपने राष्ट्र धर्म और समाज की रक्षा करते हैं। इस दौरान शिवदत्त वशिष्ठ ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें अजय सौंधी को राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सतीश सोनी को राज्य उपाध्यक्ष, भाग सिंह को राज्य सचिव, हरीश अटवाल, जसवंत कटोच, परमजीत सिंह, कृष्ण कन्हैया गौतम को राज्य सह सचिव, सुरेंद्र राजपूत को राज्य संगठन मंत्री, संजय पटियाल को राज्य कानूनी सलाहकार और जीवन शर्मा को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितेश सोनी को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रभारी, पंकज शर्मा को कांगड़ा चंबा मंडी का प्रभारी, नितिन शर्मा को करसोग मंडी का सदस्य, नितिन शर्मा करसोग मंडी को संसदीय क्षेत्र मंडी का युवा प्रभारी, हिमांशु विश्वमित्र को जिला कानूनी सलाहकार व राजीव मेनन को जिला ऊना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। हाई कमांड की अधिष्ठित सा हम हिमाचल की चारों सीटों को जो है और शिवसेना जो है वो बूथ स्तर तक अपनी कमेटियां गठित करेगी। बाकी जैसे भी हमारे ऊपर से देश आते हैं उसकी पालना की जाएगी। ये हमारा निर्णय ही है कि हमने चारों सीटों पर जो है अपने खड़े करने हैं। हिमाचल में यही रहा है कि ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, तीसरे विकल्प की लोड़ है और जो शिवसेना है हिमाचल में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी और हमें पूरी आशा है कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन में अच्छी जो है। तो किन मुद्दों को लेकर आगे जाएगी, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे बढ़ेगी शिवसेना? हमारा मुद्दा जो है, हमारा हिंदुत्व मुद्दा तो है ही है और साथ में हम किसी धर्म का विरोध भी नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। दूसरी तरफ हमें कई बार कहा जाता है कि ये जो है शिवसेना गुंडा पार्टी है। हम गुंडे हैं, मानते हैं हम गुंडे हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हम गुंडे हैं।